अजय 8 मार्च और 8 मार्च से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो आपको पहले देखें। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर देखें तो अंतर जनपदी तबादले मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद हाई कोर्ट में तलब किए गए हैं, तो उसे क्या और बात की गई है वो भी हम लोग इस देखेंगे। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्पष्ट आदेश के बावजूद एक ही आधार पर शिक्षिका की अंतर जनपदीय तबादले की अर्जी रद्द करने और न्यायालय में हलफनामा नहीं दाखिल करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को तलब किया है। न्यायालय ने 14 मार्च को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने शोभा देवी की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का तर्क था कि याची सोनभद्र में नियुक्त है, उसने अपने गृह जनपद चित्रकूट के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग इस आधार पर किया था कि उसका बेटा शारीरिक अक्षमता का शिकार है। मगर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने 31 दिसंबर 2021 को उसका प्रत्यावेदन रद्द कर दिया। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सचिव का आदेश रद्द करते हुए नए सिरे से सहानुभूतिपूर्वक प्रत्यावेदन पर विचार करने का आदेश दिया, किंतु सचिव ने प्रत्यावेदन पुनः उसी आधार पर रद्द कर दिया। न्यायालय ने इसे अवमानना मानते हुए सचिव को 14 मार्च को स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने के लिए कहा है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी अभी हाल में ही अंतिम चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो चुका है और जिला अधिकारी का बड़ा आदेश जारी हुआ है। चुनाव ड्यूटी में बहाना का अनफिट प्रमाण पत्र लगाकर ड्यूटी ना करने को लेकर कड़ा आदेश, सेवा समाप्ति के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है। तो क्या पत्र में लिखा है हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये बात करें तो जिला मिर्जापुर से है, कार्यालय मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी मिर्जापुर। यहाँ पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष जनपद मिर्जापुर विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में सकुशल एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु मतदान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसका ड्यूटी पत्र आपके विभाग कार्यालय में प्रेषित किया गया था। आपके विभाग कार्यालय के कतिपय कर्मियों द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न कर मतदान ड्यूटी से अवमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र मुख्य विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी कार्मिक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सूची संलग्न है जिसमें यह उल्लिखित थे कि वह शारीरिक समस्याओं के कारण एक दिन की चुनाव ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इससे यह प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है कि जो कर्मी एक दिन की ड्यूटी करने हेतु अक्षम हैं वह कर्मचारी न तो कार्यालय में उपस्थित हो रहे होंगे या कार्यालय में मात्र उपस्थिति दर्ज कर विभागीय दायित्व का संपादन नहीं कर रहे होंगे। कर्मियों का यह कृत्य लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। अतः आपको इस आशय के साथ प्रेषित है कि जो कर्मचारी सेवा के लिए मेडिकली अनफिट हैं उनकी सेवा समाप्ति पर विचार किया जाए, कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाए। तो यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लच्छकार मिर्जापुर। तो यहाँ से ये साफ है कि जो हमारे कर्मचारी चुनाव से ड्यूटी कटवाने के लिए फर्जी तौर पर अनफिट प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, तो उनके संबंध में ये साफ है कि जो कर्मचारी अनफिट है वो अपने ऑफिस कार्यालय या अपने विभाग में भी अपने कार्य दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा होगा, ऐसा जिलाधिकारी महोदय मिर्जापुर का मानना है और उन्होंने इसी को विषय बना करके ये आदेश जारी किया। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो वीडियो में सिर्फ दो न्यूज़ थी महत्वपूर्ण वो आपको पसंद आए होंगे।